इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। सुशासन की सरकार में खूब हो रहे एस्टीमेट घोटाले, शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी बिहार में पहुंची चरम सीमा पर। 50 करोड़ की योजना बन जाती है 100 करोड़ की। कोरोना काल में हो रहे हैं क्वारंटीन घोटाले। शहर के एक निजी होटल में जनता दल राष्ट्रवादी ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी मात्र दलों का गठबंधन नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने सुशासन की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार में खूब हो रहे हैं एस्टीमेट घोटाले। 50 करोड़ की योजना बन जाती है 100 करोड़ की, जिसका चीता जागता नमूना पटना में देखने को मिल रहा है। वहां ज्यादा से ज्यादा फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, आखिर क्यों? यह सब एस्टीमेट घोटाले ही है। इतना ही नहीं, सुशासन की सरकार में क्वारंटीन घोटाले भी हो रहे हैं। बिहार में बढ़ रहे शिक्षा स्वास्थ्य व किसानों की बदहाली को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जहां बेहतर शिक्षा के लिए छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बेहतर चिकित्सा के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसानों की देखभाल हो। और अंत में उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए हैं, नए उद्योग धंधे चालू करवाए जाएंगे व बंद पुराने उद्योगों को फिर से चालू करवाया जाएगा। एक कुंटल 51 किलो के माला के साथ चंपारण की धरती पर स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि संडे के दिन आप लोगों को हम लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मोतिहारी कल देर शाम को पहुंचे और आज फिर आगे का कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आपके सहयोग से हम लोग अपनी बात जन जन तक पहुंचाएं। जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, UDA, वो एक नया गठबंधन है और इसको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिहार पिछले 30 वर्षों से दो पार्टों के बीच फंस के पिस रहा है और एक अजीबोगरीब डिबेट शुरू हो गया बिहार में 15 साल बनाम 15 साल। मैं देख रहा था आज के अखबार में कि भारतीय जनता पार्टी का के प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उसको जो नए प्रभारी बिहार के बने हैं जिन्होंने कमाल दिखाया था महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी, उन्हीं को इस बार बिहार का चार्ज दिया गया है, फडणवीस साहब को। तो वो कह रहे थे, लोगों को याद दिला रहे थे 15 साल के जंगल राज का। अब NDA गठबंधन के लिए एक मानक बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया है, उसके पहले 15 साल जो लोग शासन में थे वही, और वो बार बार बिहार की जनता को डराते धमकाते हैं कि अगर आपने हमको दोबारा या चौथी बार चुनकर नहीं भेजवाया तो फिर बिहार में जंगल राज लौट आएगा। हम लोग जितने साथी यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम लोगों ने बहुत लोगों से बातचीत की, कई स्थानों पर बिहार में घूमने का काम किया और हम लोगों ने महसूस किया कि बिहार की जनता दोनों से त्रस्त है और बिहार की जनता एक अच्छे नए विकल्प की तलाश कर रही है और इसीलिए UDA का निर्माण हुआ है।
कि हम बिहार की जनता के सामने वो नया विकल्प रख सकें। हम इस नारे के साथ मैदान में हैं, बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। बिहार को बदलने की ज़रूरत क्यों है, बेहतर बनाने की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में एक कागज़ हम लोगों ने आपको दिया है, जिसमें हमने दिखाया है कि हर बिंदु पर कैसे पिछले 15 सालों में वर्तमान सरकार असफल रही, चाहे वो कितना भी अपनी पीठ क्यों ना थपथपा ले। और वो सारे आंकड़े जो हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको अदरवाइज भी यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें सारे आंकड़े रिसर्च पर आधारित हैं। शोध करके सरकारी आंकड़ों को निकाल के हम लोगों ने ये पेपर तैयार किया है। बेहतर बिहार बनाने के लिए हमारी कल्पना है कि एक ऐसा बिहार बने जो अपराध मुक्त हो, और अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे गठबंधन में अपराधियों को कोई स्थान नहीं मिले। और इसीलिए हम लोगों ने मिल के तय किया है कि हम लोग अपराधियों को अपने गठबंधन में कोई स्थान नहीं देंगे। और मैं आपके माध्यम से सारे राजनीतिक दलों और गठबंधनों से आज के दिन चुनौती के लहजे में कहना चाहता हूं कि अगर उनमें दम है तो वो भी इस घोषणा को करें कि वो भी किसी अपराधी चरित्र के व्यक्ति को अपने दल में, अपने गठबंधन में प्रश्रय नहीं देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मकसद साफ है कि वो लोग अपराध को, राजनीति में जो अपराधीकरण है, उससे जुड़े रहना चाहते हैं, उससे अलग थलग नहीं होना चाहते हैं, मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। 15 साल इसके पहले जो वक्त गुजरा उसके भ्रष्टाचार के बारे में तो बहुत बात हुई, कुछ लोगों को सजा भी हो गई, लेकिन वर्तमान में जो शासक हैं पिछले 15 वर्षों में, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसके बहुत सारे नमूने हमारे सामने हैं और रोज नए नए नमूने आ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना कि बिहार में एक एस्टिमेट घोटाला है। एस्टिमेट घोटाले का मतलब ये हुआ कि 100, मान लीजिए कि 50 करोड़ की योजना है तो उसका एस्टिमेट बन जाएगा 100 करोड़ का, और वो 50 या उससे ज़्यादा पैसा किसी के जेब में चला जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि एस्टिमेट तो हम सब इंजीनियर नहीं हैं कि एस्टिमेट देखते रहेंगे। पटने में इतने फ्लाईओवर क्यों बन रहे हैं? पटना एक फ्लाईओवर का शहर बना दिया गया है, फ्लाईओवर मुख्यमंत्री के द्वारा, जहां एक चौराहे पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा होकर ट्रैफिक रेगुलेट कर सकता था, वहां पर भी फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये सब एस्टिमेट घोटाले का ही चक्कर है। इसके अलावा हमने सुना कि क्वारंटीन घोटाला हो गया यहाँ पर। क्वारंटीन में जिन लोगों को रखा गया उन सबके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करने के लिए प्रावधान था, वो सब खर्च नहीं हुआ और किसी के जेब में ये सारा पैसा चला गया। सृजन घोटाले के बारे में हम सब लोगों ने सुना है। इस प्रकार बिहार में घोटाले का राज आज के दिन स्थापित है और उसको सुशासन का नाम दिया जा रहा है। हमारे समाज में आज भी शोषण है, इसलिए हम भ्रष्टाचार और अपराध के साथ साथ शोषण मुक्त समाज भी बनाना चाहते हैं, जहां पर कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत हैं, महिलाएं हैं, उनको समाज में उचित स्थान और आदर मिले। जिस बिहार के नौजवान को बाहर रोजगार के तलाश में नहीं जाना पड़े, एक ऐसा बिहार बने जिसमें बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े, एक ऐसा बिहार बने जहाँ चिकित्सा के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, एक ऐसा बिहार बने जिसमें किसानों की देखभाल हो, केवल सम्मान के नाम पर उनकी बेइज्जती नहीं हो, बल्कि हम ऐसा माहौल पैदा करें किसानी के क्षेत्र में कि हर खुश किसान खुश स्वयं खुशहाल हो जाएगा। बिहार के उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, नए उद्योग धंधों की
के लिए हम लोगों को पुराने उद्योग धंधों को चालू करना पड़ेगा, नए उद्योग धंधों को हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। तो इस तरह के बिहार के निर्माण की कल्पना हम लोगों के मन में है। एक बहुत ही मुश्किल काम को, उद्देश्य को लेकर हम लोग चले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस मात्र एक दलों का गठबंधन नहीं है, ये एक आंदोलन है बेहतर बिहार बनाने के लिए। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।